माय बाप भाई और बहन मन सब कोई के वृद्ध आश्रम बाला छापर जिला जसपुर छत्तीसगढ़ कर तरफ से हार्दिक अभिनंदन करे लागल ही और आज कर आधुनिक युग में अपने मन के सुनाए लागल ही ओहरे हरे दया पिता पहली भगवान कता ना महान माता पिता पहली भगवान कता ना महान माता पिता पहली भगवान ऋषि मुनि ज्ञानी वेद पुराण और मातृ पितृ भक्ति से भरल संतान मनकर कहना है कि धरती में भगवान कर साक्षात रूप माय और बाप के मानल जा है। हर माय बाप कर जीवन कर उद्देश्य अपन बेटा बेटी कर जीवन के सजाय और सांवरायक रहेला। अपन पेट काट के हर दुख सही के माय बाप अपन छुआले सब कुछ समर्पण कर देवेना। अपन कोख भरे के लिए हर माय बाप मंदिर मस्जिद गिरजा काशी बनारस तक मन्नत मांगेना। अपन अंगना में छुआ कर किलकारी सुन माय बाप सब दुख के भुलाए जाए ना। माय बाप कर ममता के कम कर के आकल नहीं जा सकेला। चाहे अपन छुआ लंगड़ा हो अंधरा हो चाहे पगला हो माय बाप कर ममता उकर ले कम नहीं होवेला। माय बाप उ रिश्ता का नाम हके जे आपने नी खाए के खियाएला, अपने फाटल पींद के छुआ के नवा कपड़ा पिंधाएला, अपने रात भर जाग के छुआ के सुताएला। मुदा आज आधुनिकता कर प्रभाव से कुछ माय बाप और छुआ कर रिश्ता में दाग लाग जा है। जोन माय बाप कुली कबाड़ी कर के आधा दर्जन छुआ के पोसे पालक में कहियो नहीं हिचकिचालें, वह माय बाप के सब मिल के पोसे नहीं पारत हैं। काल तक जोन माय बाप सहारा रहें वह माय बाप आज बोझ बन गए। पसीना में माय डूबेला और धूप में बाप जलेला, तब जाके एक छुआ दुलार प्यार से पोसाएला। नौ मास कोई खे बोही बहु पे संकट साई, नौ मास कोई खे बोही बहुते संकट साई। माता पिता पहली भगवान कता ना महान माता पिता पहली बहिन मन। आज कुछ बूढ़ा बुढ़िया मंदिर में रोड में बाजार में मेला जात्रा में भीख मांगते दिशा ना, तो होटल में बासन मांगते दिशा ना, तो कोई अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में दिशा ना। ओहो मन केकरो माय बाप हकें, बेटा पुतौ कर छाई नहीं मिले कर कारण ई उम्र में ई दशा होवत है। इतना होवल बाद भी माय बाप के अपन छुआ से कोनो शिकायत नखे, यह ममता और महानता तो माय बाप के भगवान का दर्जा देवेला। खुद भूखे पेट रही अफता भी पता सही, खुद भूखे पेट रही
माता पिता पहिल भगवान माता ना महान माता पिता पहिल भगवान भाई मन बहिन मन हमके नी भुलाए चाही कि ई विधि कर विधान हके ई परंपरा हके जे माय बाप कर सेवा करी उके उकर छुआ सेवा करी कुछ बेटा पुतौ हैं कि क्षणिक सुख ले माय बाप के अलग कर देवैना जबकि बिना माय बाप कर छुआ अनाथ है माय बाप कर सेवा से बैठ के कोई सेवा नखे श्रवण कुमार के देखू तो माय बाप कर सेवा करते करते अपन प्राण त्याग दिलाए ओहरे पिता पहिल भगवान माता ना महान माता पिता पहिल भगवान तो भाई मन बहिन मन हमके तो पता नखे केकर माय बाप हैं भी और केकर माय बाप नखें हमके सिर्फ हमर पता है कि हमर माय बाप रखें जेकर माय बाप जिंदा हैं उ मन लखे दुनिया में सुखी संपन्न धनवान या अमीर क्यों नखें याद करूँ बचपना के जब हमरे मन माय कर दूध पियत रही एक बटे दूध के पियत ही और दोसर बटे माय कर छाती के अपन दुयो छोटे छोटे गोड़ से लथिया थी फिर भी माय दूध पियाए नहीं छोड़ थे तो भाई और बहन मन लाइट खाए के भी भोजन देवे कर शक्ति परम पिता परमेश्वर अगर के को दे है तो उसी माय के दे है और वैसन माय के हमरे ऐसन अभागा है कि भुलाए देवीला माय जैसन दुनिया में कोई चीज नखे सारा जरूरी कर चीज बाप पूरा करेला बाप रोटी हके बाप कपड़ा हके और बाप मकान भी हके बाप नहीं तो बचपना अनाथ है माय बाप कर कमी के कोई पूरा कर नहीं सकेला पिता कर अपमान नहीं करे चाही उन पर अभिमान करे चाही काम दे भेली चूरनी जसे करली दू दे भेली चूर निज से कराली दूर हर दया तोड़ी देली सकल रमान कथा न महान माता पिता पहिल भगवान कथा न महान माता पिता पहिल भगवान तो भाई मन बहिन मन एक बात और बताई चाहिला कि माय बाप कर कमी के कोई पाइट नहीं सकेला माय बाप कर कमी के कोई पाइट नहीं सकेला ईश्वर भी उनकर आशीष के काइट नहीं सकेला विश्व में कौनवे तीर्थ कर यात्रा व्यर्थ है थोड़ा समझे कर जरूरी है कि विश्व में कौनवे तीर्थ कर यात्रा व्यर्थ है
यदि बेटा कर होते माय बाप असमर्थ हैं। विश्व में उनमें देवता का स्थान दूजा है, माय बाप कर सेवा ही सबसे बड़ पूजा है। वो खुश नसीब हैं जेकर साथ माय बाप रहना काले कि माय बाप कर आशीष कर हाथ हजारों हाथ होवेला। तो माय बाप भाई और बहन मन, आपने मन से अनुरोध है कि माय बाप कर सेवा मन लगाए के करूँ और पुण्य कर भागी बनूँ, संगे संगे धर्म के भी बचाऊँ। और बात भी सत्य है कि इस समय और नहीं आवी, जेकर भी माय बाप जिंदा हैं और रोर संग में हैं तो समझो रोरे स्वर्ग में आही, क्यों रोर कोनो बिगड़ाई नहीं सकेला। माय बाप कर कतनो वर्णन कर ले कम है। उचिता करा जोरे बहिन मन, असहाय माय बाप कर सेवा खातिर निःशुल्क सदैव तत्पर है। आपने मन संपर्क कर सकीला अध्यक्ष फूलचंद आर्य बिरसा मुंडा सेवा संस्थान द्वारा संचालित आवासीय महर्षि दयानंद बानप्रस्थ वृद्धाश्रम बाला छापर जिला जसपुर नगर छत्तीसगढ़। और आभार व्यक्त करे चाहिला कमल स्टूडियो गुमला के।